तो भाई जो मिजोरम के अंदर सबसे पहले मिशनरीज आए थे वो इसी रास्ते से आए थे। मिजोरम का सबसे पुराना पोस्ट ऑफिस है जो अंग्रेजों के टाइम पे बना था। ये बांग्लादेश आते जो श्रिम्प होते हैं, श्रिम्प का पेस्ट है ये। भाई साहब पानी में गिर गए हैं और उनको स्विमिंग नहीं आती, उनको ढूंढ रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्लेस है तलाबोंग, बोले तो दिमागिरी तलाबोंग एकदम। ये देखिए आप, दिस इज बांग्लादेश बॉर्डर, दिस इज अपना इंडिया मिजोरम एंड दिस इज तलाबोंग जो एकदम बॉर्डर के ऊपर सिचुएटेड है। यहाँ पर एक ट्राइबल मार्केट लगता है जिसको आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। जब मैं पिछली बार आया था तब भी मैंने इसको एक्सप्लोर किया था, लेकिन अब मैं और पिछली बार में काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। शेल भी है, वो होटल में आराम कर रही है टूरिस्ट लॉज में, और सुबह सुबह अपने कृपा भाई वापस से आ गए। कैसे हो कृपा भाई, चले? अभी लोग वापस आने लगे हैं, अभी आने स्टार्ट हुए हैं, अभी आ चुके हैं सब लोग। लगभग का 9 बजे, 9 बजे वापस आना स्टार्ट हो जाते हैं। मिजोरम के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे वो 1872 के आसपास पहुंच चुके थे। मिजोरम का जो सबसे पुराना पोस्ट ऑफिस है वो भी आपको तलाबोंग में ही मिलेगा, इधर दिमागिरी में। तो यहाँ पे जो ज़्यादातर सब्जी वब्जी बेचने लोग आते हैं वो बांग्लादेश साइड के जो चकमा लोग हैं वो हैं। इवन जो आपने लोकल्स हैं ना, लोकल जो चकमा लोग हैं वो भी यहाँ पे सेल करने आते हैं। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि इस मार्केट के अंदर ज़्यादातर जो आपको जो सेलर आपको मिलेंगे दे आर मोस्टली फ्रॉम चकमा ट्राइब, इधर फ्रॉम बांग्लादेश और फ्रॉम आवर इंडिया। ज़्यादा लोग कहाँ के आते हैं बेचने वाले? मतलब तो बोले तो ज़्यादा बांग्लादेश साइड से, बांग्लादेश साइड से और हम लोग का साइड। अच्छा, मिक्स है पूरा? हाँ, पूरा मतलब कि आधे अपनी इंडियन आधे बांग्लादेशी है। अच्छा, और जो बांग्लादेश से है ना, हाँ, वो डायरेक्ट तो बांग्लादेश से नहीं, मतलब बांग्लादेश बोधार के साइड से, वो भी इंडिया का है ना। लेकिन बांग्लादेश का कोई नहीं आता क्या इधर? आता है शायद, मेरे ख्याल से भी आता है। मुझे लगा कि बांग्लादेश से आते हैं वो लोग, बहुत कम है। अच्छा, मेरे ख्याल से आते भी होंगे ना। हाँ, हम लोग तो उस साइड भी चकमा पॉपुलेशन है और इस साइड भी चकमा पॉपुलेशन है। जो अपने इंडिया का ये वाला पार्ट है, चकमा लोग इधर भी हैं, और जो अपना बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है उस साइड है चिटागोंग हिल ट्रैक्ट। जो चिटागोंग हिल्स हैं, जब मैं बांग्लादेश गया था वहाँ पे मैंने चकमा लोगों को देखा था। जो चकमा लोगों की बड़ी पॉपुलेशन है वो आई थिंक बांग्लादेश में पड़ती है। सच में फैक्ट है क्या ये? तो इंडिया से ज़्यादा पॉपुलेशन बांग्लादेश में? बांग्लादेश में 5 पॉपुलेशन, सेकंड मिजोरम, मेरे ख्याल से अरुणाचल, त्रिपुरा। मम्मी से मिला था। आंटी आ रखी है क्या? नमस्ते आंटी, कैसे हो? पत्र उतरु अच्छा है? उस दिन मिलने गया था लेकिन नहीं। हाँ, त्रिशा किधर है? उसको सर्व किया गया, ज़्यादा तंग करते हैं ना वो। कैसे हो ममता, ठीक हो? आपका चप्पल तो उधर रह गया गाड़ी में। कोई बात नहीं, वो तो अभी कैश विड्रॉ करके लेके आए, मार्केट को भी घूमेंगे। उसके बाद मैं और कृपा भाई प्लान कर रहे हैं कि एक बार जो बांग्लादेश का फर्स्ट गांव है वहां तक जाने का। इवन तो हम गांव के अंदर नहीं जाएंगे लेकिन हम एकदम वहां पे टच करके आ सकते हैं, तो ये अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। मार्केट पहले ज़्यादा बड़ा रहता था, अभी बराबर सही है, कम होता था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। कोविड से पहले ना उस टाइम सिर्फ हफ्ते में दो दिन था। हाँ, और बड़ा था। अभी जो है कोविड के बाद जो है उस टाइम लोग अनाज अनाना उतना नहीं कर सकते अपना, इसी कारण जो है मतलब दूर दूर का लोग जो है फ्राइडे को मंडे को यूज करते हैं। हम लोग जो पास जो लोग हैं, हम लोग जो है डेली नहीं, ट्यूजडे सैटरडे, ट्यूजडे एंड सैटरडे। दीमापुर का भी जो मार्केट है ना, जब मैंने पिछली बार देखा था तो तब ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा था, अब तो इतना नहीं है। यहाँ पे भी कोई इतना अब उतना बड़ा नहीं दिख रहा है। द लास्ट ट्राइबल मार्केट ऑफ इंडिया। यह मार्केट में जैसे यहाँ के जो लोकल्स हैं और जो भाई कुछ लोग जो बांग्लादेश से आते हैं, बेसिकली आप इसे चकमा ट्राइबल मार्केट बोल सकते हो। यहाँ पे जो कपड़े वपड़े, सेकेंड हैंड कपड़े, फर्स्ट हैंड कपड़े, ये देखिए इधर मछलियाँ, तरबूज, ये सब मिलेगा, मिर्ची। मिजोरम के अंदर जो आपको अदरक मिलेगा ना उसकी क्वालिटी एकदम फाइन है भाई, अलग अलग टाइप्स की हर्ब्स। ये इधर इमली है, राजमा। अच्छा, फ़ोन भी बेचने आते हैं कृपा भाई लोग? हाँ, मतलब जितना यहाँ का लोगों का ज़रूरत है, और लगभग का आसपास में 40-50 गांव जो है यहाँ से। अच्छा, पिछली बार है ना जब कृपा भाई मुझे मिले थे तो इसी मार्केट के टाइम पे मिले थे। आप कुछ खरीदने आए थे क्या उस टाइम पे? क्या खरीदने आए थे? कुछ भी हो गया, जैसे कि जब दाल हो गया, ग्रोसरी का सामान भी ये चीज लेता है ना। अच्छा, ये फिशिंग नेट है क्या? बांग्लादेश में साइड मिजो लोग भी हैं क्या चकमा के साथ? मिजो है उस साइड में, मेरे ख्याल से
उसको अलग नाम से बुलाता होगा। अच्छा, कुकी या क्या बोलूँगा मालूम नहीं, लेकिन मैं सीओ नहीं हूँ। अच्छा, जो आगे वाले है वो उस साइड आपके गांव का है, इस साइड या तो वो बांग्लादेश से है या फिर बांग्लादेश साइड से आए हैं। अच्छा, तो ये जो सामने अभी जो आपको लोग दिख रहे हैं ना, ये या तो लोग बांग्लादेश से आ रखे हैं या फिर जो अपने इंडिया के गांव बांग्लादेश एकदम बॉर्डर के ऊपर है ना, वहाँ से आ रखे होंगे। तलाबुंग मिजोरम हरि मंदिर सरभोजन, तो यहाँ से आते हैं क्या? हाँ, ये मिशनरी काय क्या है? हाँ, मिशनरी काय जो मिशनरी थे, हाँ, सबसे पहले मिजोरम में यहीं पे तलाबुंग में आए थे, इसी रास्ते से। हाँ, इसी मतलब तलाबुंग में थे वो लोग पहले। अच्छा, तो उसका भी देखेंगे, उसमें कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मेरे को मिजो लैंग्वेज नहीं आता है, बहुत दिक्कत है। समीजो नहीं आता है क्या आपको? नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। खाना खाया, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आया, खाना खाया को क्या बोलते हैं? चो मतलब वो चावल। अच्छा, तो भाई जो मिजोरम के अंदर सबसे पहले मिशनरीज आए थे वो इसी रास्ते से आए थे, उन्हीं मिशनरीज ने फिर मिजोरम के अंदर क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया था। तो आजकल लोग यहाँ पे पार करते हैं क्या? हाँ। आप भी इधर ही करते हो क्या आजकल? नहीं नहीं, ऊपर हम लोग का ऊपर की साइड में, ये देखो। हाँ, पता में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से ये अच्छा से रखना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है पास यहीं पे आया था, यहीं पे कुछ लिखा। अच्छा, फर्स्ट क्रिश्चियनिटी यहीं पे आया था मिजोरम के अंदर। तो पहले दिमाग में आए थे, उस टाइम तो दिमाग में था ना। हाँ, उसके बाद पूरा मिजोरम में डिवाइड हो गया। अच्छा। और इवन ये पास पोस्ट ऑफिस भी यहीं पे है, वो भी देखेंगे, यही पास में है। अच्छा, फर्स्ट पोस्ट ऑफिस, इवन पुलिस स्टेशन भी काफी पुराना है ना यहाँ का? उसका आइडिया नहीं मुझे, लेकिन काफी पुराना भी है। अभी पानी कम है क्या नदी में? कम, बहुत कम है, बहुत आतंक जाता है यहाँ पर भी। ये देखिए बड़ी बड़ी बोट भाई, और सामान भी यहाँ से भर भर के लेके जा रहे हैं लोग। अच्छा, जब उधर जाते हैं तो इंडिया का झंडा लगाना पड़ता है? हाँ, पड़ता है। नीचे से जो भी बोट आएगा ना, हाँ, उसके बोट में आप जनता दिखोगे, उस साइड से जो आएगा। हाँ, क्योंकि BSF पूछते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि उस कॉम्प्लिकेटेड है ना, कौन बांग्लादेश का बोट कौन इंडिया का बोट मालूम नहीं होता है ना, इसलिए आइडेंटिटी के लिए वो जनता लगाना चाहिए। वो मिजो भाई है, चकमाई है, और जो जितना भी बोट यूज करते हैं ना पूरा चकमाई है। अच्छा, मिजो लोग बोट यूज करते हैं, बहुत कम मिले हैं, एक्सपीरियंस नहीं है उनको? एक्सपीरियंस बोले तो उन लोग के पास गाड़ी वगैरह है ना, तो हम लोग के पास तो मतलब कि मिजो गांव के अंदर, लगभग गांव के अंदर आपको रोड वोड मिल जाएंगे। हाँ हाँ, लेकिन चकमा गांव में अभी इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं है। बोले तो चकमा लोग एक्चुअली ये जो मेन ये कर्णापुली रिवर जो है ना, हाँ हाँ, इसी के आसपास में रहते हैं चकमा लोग। ये नदी आपके कल्चर में कोई इंपॉर्टेंस है क्या? आप लोगों के कल्चर में नदी का पूजा होता है क्या? जो कर्णफुली रिवर है जो सामने आपको दिख रही है, और पिछले दो तीन दिनों से आप इस नदी को देख ही रहे होंगे, इस नदी के आसपास ही, इवन जो ये नदी जब बांग्लादेश के अंदर चली जाती है, क्वातलांग तुईपुई ये मिजो नेम है, और इसे चकमा लैंग्वेज में पुराने टाइम में बोलते थे कर्णफुली, और ये बांग्लादेश में जाके भी कर्णफुली रिवर बनती है। और जो चिटागोंग है बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर चट्टोग्राम, उसका जो पोर्ट है वो इसी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, और बांग्लादेश का वन ऑफ द बिगेस्ट डैम, और बांग्लादेश में जब वो डैम बना था, एक्चुअली उस टाइम पे बांग्लादेश नहीं होता, जब पाकिस्तान में वो डैम बना, तो उस टाइम पर काफी चकमा लोग इधर माइग्रेट हो गए थे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिलीजियस एट्रोसिटीज भी हुई थी, और दूसरा उनके जो घर थे वो छीन लिए गए थे, और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी उस टाइम की, उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया था, उस कारण से काफी चकमा लोग इधर आ गए थे ना। अरुणाचल में भी वो ज्यादा, वो जो उस टाइम आए थे वो ज्यादातर अरुणाचल में गए ना। तो जो अरुणाचल में आपको चकमा लोग मिलेंगे, उनमें से काफी, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे चकमा लोग बांग्लादेश से रेफ्यूजी बन के आए थे, लेकिन काफी लोग उस टाइम पर जब पाकिस्तान ने जो चकमा लोग उनके ऊपर एट्रोसिटीज की, तो वहाँ से छोड़ के फिर वो अरुणाचल की तरफ चले गए थे। और जितना मैं जानता हूँ, 1947 में इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान मतलब डिवाइड हुआ था, ये उस टाइम तो ये बांग्लादेश और इंडिया एक ही था ना। उस दौरान जो क्या हुआ, जितना भी चकमा लोग थे, सिलहित पता है ना, सिलहित, सिलहित तक इंडिया का झंडा लगा के मतलब वो चकमा लोगों ने किया था ना, प्रोटेस्ट वगैरह किया था कि हम लोग को बांग्लादेश के अंदर नहीं रहना, हमें जो है इंडिया के अंदर रहना है। तो मतलब वही तो कुछ प्रोटेस्ट के जैसा चला था उस टाइम, तो फिर भी नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि डिवाइड करते टाइम अंग्रेज़ों ने पंजाब को ही बहुत गंदे तरीके से तोड़ा है, अपना जो बंगाल है उसको भी बहुत वाहियात तरीके से ब्रेक किया। इवन जब आप जो ये चिटागोंग हिल ट्रैक हैं, इनमें भी बहुत सारे ऐसे एरिया थे जो इंडिया के अंदर आने चाहिए थे लेकिन नहीं आए। मैं ये बांग्लादेश की सॉवरेनिटी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन कुछ एरियाज़ हैं, जैसे कुछ एरियाज़ वो बांग्लादेश के अंदर जाने चाहिए थे, क्योंकि उस टाइम पर तो जो डिवाइड हो रहा था वो मेनली मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स के एरिया के डिपेंडेंस पे हो रहा था, तो उस टाइम अंग्रेज़ों ने नेक्स्ट लेवल ही तरीके से इसको डिवाइड किया था। तो बाकी आप नीचे देख सकते हो, ये अपने जो भाई हैं, इन्होंने अपनी बोट वोट यहाँ पर पार कर दी है। चले
ये है भाई यहाँ का पोस्ट ऑफिस। मिजोरम का सबसे पुराना पोस्ट ऑफिस है जो अंग्रेजों के टाइम पे बना था। अभी खुला हुआ नहीं है, सामने एकदम भाई मस्त पीपल का पेड़ लगा हुआ है, अपनी जड़े वड़े हर तरीके से फैला रखी। नीचे जो मछली वाला मार्केट है जहाँ पे अपने भाई जो मछलियाँ वछली आके बेचते उधर देख के आ रहे हैं कि उनके पास कौन कौन सी, जो ड्राई फिश है वो आपको पीछे मिल जाएंगी, लेकिन जो फ्रेश मछली है सिर्फ झींगा है। अच्छा स्मेल होने के कारण इसको इधर लगाते हैं, इसलिए वो ये हम लोग खाते हैं ना ये। अच्छा आप लोगों में चलता है क्या? हाँ मिजो लोग भी खाते हैं, सिर्फ चकमा लोग ही खाते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ खाना पकाने के लिए ऑयल की जरूरत होता है, हम लोग इसके साथ जो है बिना ऑयल के बनाते हैं। नो ये झींगा का पेस्ट है। हाँ वही तो स्विम पीस इसलिए बोलता है, वहाँ से बनाता है, बांग्लादेश में बनता है। अच्छा बांग्लादेश में बनता है, फिर वहाँ से यहाँ पे आता है। कितने रुपए किलो? 200-250। उसका प्रोडक्ट देख के आपको लेना है क्या? नहीं क्यों, अच्छा नहीं लगता आपको? तिरसा की मम्मी लेके गए। लेके गया क्या आज? बांग्लादेश आते जो श्रिंप होते हैं ना, श्रिंप का पेस्ट है ये। चकमा लोग इसे खाने पीने में यूज करते हैं, लगभग 90% चकमा लोग खाते हैं। आपको कैसा लगता है? अच्छा है, तो इसके बिना तो हमारा काम नहीं चलता। लेकिन मैंने नहीं खाया ना ये, लास्ट टाइम खाया था मैंने। नहीं खाया, वो पहली बार आया था ना उस टाइम खाया था, तब खाया था। पर यह स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी। आप कहाँ से हो? नॉनसुरी से। चलो ठीक है, थैंक यू। पत्र उत्र ये वाला क्या है? ये वाला मुझे मालूम नहीं, ये दिमे चीजें बोला जाता है। हाँ आई डोंट नो इंग्लिश। आप खाते हो इसे? हाँ खाते हैं। दिखा नहीं वो कहाँ से हो दीदी आप? हाँ सिलगुर, ये एकदम लास्ट गांव है इंडिया का, लास्ट गांव है सिलगुर। कितने बजे आते हैं मॉर्निंग में? 3-4 बजे डेली? नहीं रोज, बाजार में, बाजार के टाइम में दो बार, शनिवार को और मंगलवार को। और वापस कब जाते हैं फिर, किस टाइम पे? ये बेच के, पूरा बेच के जाएगा? अगर पूरा बेचने में शाम लग गया तो भी शाम तक जाएगा? अच्छा तो भाई दीदी के पास गाजर है, मिर्ची है, ठीक है। पत्र उतर दीदी कैसे हो दादा? भालो आपको सब्सक्राइब किया तो मैं। अच्छा कौन कौन सा फिश है दादा आपके पास? ये प्रॉन्स है, फिश है ये भी? छोटा वाला। ये अपने इंडिया से आ रहा है बांग्लादेश का? ये कोलकाता का सामान। और ये वाला? ये भी कोलकाता का, गुजरात का। अच्छा गुजरात से आता है, ये बर्मा का सामान। अच्छा ये वाला बर्मा का है, सस्ता बर्मा वाला है इंडिया वाला है? ये इंडिया वाला सस्ता। तो बर्मा वाला की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है क्या? क्या नाम है इनका, इस फिश का नाम क्या है? सूरी बोलते हैं। सूरी, ये भाई सूरी करके एक फिश है, ये बर्मा की ड्राई फिश है। और ये वाली है ये अपनी इंडिया की, ये गुजरात से भी आती है, ये गुवाहाटी साइड से भी आती है, और ये इधर में भी होती है। आपका नाम क्या है दादा? मुन्ना। आप इधर दिमागरी से हैं? अच्छा लोकल है। हाँ आपका क्लासमेट है? चलो यार सही है मुन्ना भाई, थैंक यू यार। इधर देखिए भाई, लंबी 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 छोटी सब कुछ मिलेंगे आपको, ये यही वाली। और इन दीदी के पास तो बाकी अलग टाइप की भी ड्राई फिश है, ये देखिए आप। और ये है प्रॉन्स। अरे भाई ये क्या है? तो क्या बोल रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारा चकमा में इसको बोलते हैं अंगूर मांस। हैं अंगूर, अंगूर मांस। महंगा है क्या ये? हाँ ये महंगा है। कितने का मिलता है? 1200 का किलो, 1200 बांग्लादेश, बांग्लादेश। ये बांग्लादेश का है। आप कहाँ से हैं? नूनसुरी में। अच्छा एकदम बॉर्डर के पास ही है ना। कोविड से पहले ये जो मार्केट है ये हफ्ते में सिर्फ 2 दिन लगता था, लेकिन मार्केट की जो भीड़ कम करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्केट को 4 दिन के लिए कर दिया, और उस कारण से धीरे धीरे जो भीड़ है ना इस मार्केट में कम होती जा रही है पहले के मुकाबले। ये भाई चकमा हुक्का, ये देखिए जरा आपको सुपारी उपारी एकदम अलग अलग टाइप की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपने सब्जी लिया है किसके लिए? वो लुंगदे का एक दोस्त है ना उसके लिए। अच्छा उसको क्या बोलते हैं सर? खांगू। खांगू ये खाने में यूज़ करता है मैं? खांगू लोंगता। लोंगता आई डू तुम्बू। आप भेज रहे हैं चकमा सर? क्या हुआ क्या एंटी कब जाएंगे? अभी जा रहा हूँ। क्या उनका सामान खत्म हो गया? ये किरबा भाई के जो मदर हैं वो अभी निकल रही हैं, उनसे पहले
हो गया आंटी खत्म, अभी घर जाएगा, सब खत्म हो गया है कृपा। आंटी का आज बहुत अच्छा दिन रहा है, सुबह जल्दी पहुंच गए थे ना, सुबह जल्दी पहुंच गए थे, सब बिक गया। तो आंटी को यहाँ पे अपनी दुकान लगा सामान बेचने के लिए दिन के 30 रुपये देने पड़ते हैं। अच्छा एक दिन का 20 रुपये, आपको भी देखा है मैंने, वो मेरा सिस्टर है ना। हाँ कल ही तो देखा था शायद, वेविंग कर रहा था ना उस टाइम। हाँ वेविंग वेविंग। हाँ 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 हाँ। तो अब घर पे जाके वेविंग करेगा। इसका वैसे नाम क्या है? नाम क्या बोलेगा मालूम नहीं, हमारा काकमान इसको हांगोंग बोलते हैं। हांगोंग। अच्छा और ये मछली भी है इधर, और ये वो मिर्चा आपको अच्छी लगती है ये वाली? ये हाँ ये हम लोग का मिर्ची है ना, ये जूम में होता है हम लोग का खेत में। अच्छा मिर्चा लोग भी ये खाता है ना? हाँ खाता है वो लोग, जो सिलचर वगैरह से आता है ना। अच्छा वो उतना तीखी नहीं है, ये वाला तीखी है, खा रहा है। ये देखिए भाई इधर आंटी बेच रही है मछली, और ये वही है ना जो अभी आप थोड़ी देर पहले मिजो में बकाते बोलते हैं। आपको लेना है क्या ये? नहीं दोस्त के लिए नहीं लेना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, उसका जो केरेले का जैसा मतलब खाने में टेस्ट है ना, करेले जैसा कड़वा होता है क्या? हाँ वो कड़वा है। आंटी कहाँ से आई है? इधर से ही है। बनाना फ्लावर? नहीं बनाना फ्लावर नहीं, ये इसको बोलते हैं हम लोग सेंगे गुदो साकमा में। खाने के बाद है ना नींद ज्यादा हो जाता है ये खाने से। नशा होता है क्या इसमें? नशा नहीं होता है, नींद ज्यादा होता है। तो नींद तो नशा हुआ तभी आएगी ना, वैसे ऐसे नींद क्यों आएगी? नींद के लिए दवाई हो गया है। तो ये है भाई मार्केट के एंट्रेंस तलाबुंग टैक्सी, यहाँ पे सारी आपको टैक्सी मिलेंगे। मार्केट के दिन काफी लोग सामान वामान खरीद के लेके जाते हैं, तो टैक्सी की जरूरत पड़ती है। तो कई बार लोग ज्यादा सामान लेते हैं तो टैक्सी भी लेके जाते होंगे ना? हाँ कभी बार जो है हम लोग का एक बार सब्जी वापस लेके जाना पड़ा। क्यों बहुत ज्यादा ले लिया था? नहीं उस टाइम सब्जी ज्यादा हो गया था तो बिका नहीं। निगरे भाई का बराबर है। कैसे भाई? अच्छा निगरे के बड़े भाई यहाँ। ओके पात्र उतरो। कभी कभी मतलब वो क्या होता है खरीदने वाला कम होता है, इसी कारण जो है एक बार हम लोग को वापस लेके जाना पड़ा। कई कई बार होता है मम्मी लोग, लेकिन हम लोग इस साल में 2-3 बार अभी सेलिंग किया और सेलिंग करने आएंगे कुछ देर। आप भी बेचने आते हो क्या? हाँ। भाई कृपा भाई भी सामान वामान बेचने आते हैं। तो आप क्या क्या लेके आते हो? क्या वही बीन्स? चलो कुछ खाओगे? क्या खाएंगे? कुछ तो खाते हैं थोड़ा सा यार, खा के फिर एक बार नीचे चलेंगे, उस टाइम अगर कोई बोट मिल गया तो चलेंगे, वरना फिर अब क्या ही कर सकते हैं यार। ओके बाय अंकल, कलो में बाय 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 आंटी कृपा चले। थंगालिंगा हु वाज सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सबड्यू द मिजो चीफ्स एंड रेस्क्यू मैरी उनसे फ्रॉम देयर हैंड्स फाउंड इन तलाबुंग टाउन ऑन द 9th November 1871। पिछली बार है ना मैं कृपा भाई से यहीं पे मिला था, लेकिन यार उस टाइम किनारा बड़ा होता था, उस टाइम पानी थोड़ा इससे भरा था ना, ये उस टाइम ये नहीं था। अरे हाँ उस टाइम आप यहीं पे थे, मैं बोट पे था। हाँ हाँ अरे आगे तक बोट लगी हुई है क्या? आगे तक बोट लगी हुई है। हाँ तो वो बड़ा वाला बोट दिख रहा है ना? हाँ गाड़ी आस पास होता है, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार। अभी देखो जितना भी बोट है पूरा ऊपर जाएंगे, सब ऊपर जा रहे हैं, और नीचे वाला भी बहुत है ये वाला, लेकिन ये ड्राइवर तो नहीं है तो कहाँ से पूछेंगे, क्योंकि तो अभी इधर सब सारे के सारे लोग वेट कर रहे हैं कोई ना किसी बोट का। 90% हमारा गांव वाला है। एक बोट में कितने बंदे बैठ के जाते हैं? सामान के बिना तो 20, सामान के बिना 20, सामान के साथ 15। और एक बंदे का कितना पैसा? आने जाने का 100। तो लोग क्या करते हैं आसपास जितने भी लोग हैं ज़्यादातर बोट से अपना सामान लेके आते हैं। ये सामने जो आपको बोट दिख रही है इन बोट के अंदर आप अभी लोग सामान खरीद के भी ला रहे हैं और सामान बेच के भी जा रहे हैं। आपके गांव से तलाबुंग का कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम 40 मिनट। आने में 40 मिनट, जाने में ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ क्योंकि आते टाइम फ्लो नदी का जो फ्लो है ना वो बांग्लादेश की तरफ जा रहा है, तो आते टाइम कम टाइम लगता है, जाते टाइम थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। ये देखिए गांव वाले जो बास्केट दिख रहे हैं ना इनमें अपना सामान बेचने आए थे, लगभग बास्केट खाली हो गई है, और ये जो चावल वावल है ये जो मैट्रेस है ये सब गाँव वाले सामान खरीद के अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ये शुगर पास है ना ये वाला, ये नूनसुरी। अच्छा तभी ये फ्लैग लगा रखा है क्या? जो भी बांग्लादेश बॉर्डर साइड पे बोट जाती है ना वो सारी की सारी फ्लैग लगाती हैं ताकि उधर कन्फ्यूजन वन्फ्यूजन ना हो। ये वाला किधर जा रहा है? ये तो मेरा है। ये आप चला के जाएगा? और वो वाला? वो ऑटो वाला दिपली बाग शुगर पास। अरे हाँ कोई बोट मिलेगा बांग्लादेश वाला?
अभी देखिए वो सामान लेके आए दुकान उकान के लिए, वाह भाई साहब सीधा फेंक दिया। मैं और सोच रहा हूँ ड्रोन शॉट ले लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं अगर हमें कोई बोट मिली तो ठीक है, वरना फिर चलेंगे यहाँ से निकलेंगे भाई, क्योंकि मेरा प्लान था बांग्लादेश बॉर्डर तक जाने का बोट से। पिछली बार गया था मैं, लेकिन अब कल पूछा मैं जाना कि नहीं बांग्लादेश बॉर्डर, नहीं जाना बोला, तो बोट जो है हमारा गाँव से अवेलेबल कंटिन्यू बोट मिलेगा, लेकिन यहाँ तो बाजार के लिए आया है ना, अभी हम लोग जाएंगे तो अगर हम लोग उन लोग उनको फोर्स करेंगे तो वो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उन लोग बेचे हुए बेचे रहेंगे, कब तक हम लोग आ पाएंगे ना। सही बात है यार, बहुत टाइम लग जाएगा, चलो कोई नहीं यार, थैंक यू शीशे। जस्ट अभी हमने ड्रोन फ्लाई की थी, अभी यहाँ पे एक भाई साहब पानी में गिर गए हैं और उनको स्विमिंग नहीं आती, उनको ढूंढ रहे हैं यहाँ पे लोग। बस भाई जो बांग्लादेश बॉर्डर तक जाने वाला सीन था वो तो कैंसिल सा ही मान लो आप, एक तो यहाँ पे एक पंगा हो गया कि एक भाई साहब थे लोकल थे जो मिजो ही होगा, लेकिन लोकल होगा मतलब मिजो ही होगा मेरे ख्याल से, लेकिन यहाँ का नहीं होगा, कहीं बाहर का होगा, बाहर का होगा, जल का ऐसा हो सकता है, तो उनको स्विमिंग नहीं आता, वो यहाँ पे डूब गए ना, उसी अनाउंसमेंट उसी का हो रही है। यहाँ पे अभी एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है उनको ढूंढने का, वो मिल ही नहीं रहे हैं। हेलो हाय नोमैडिक इंडियन, व्हाट्स योर नेम? बैडमिंटन वांट टू प्ले विद मी? लेट्स गो, लेट्स प्ले। भाई बच्चों के साथ बैडमिंटन खेल के आया हूँ मैं इतने दिनों बाद, प्यारे बच्चे उसको इतना छोटा उम्र यूट्यूब के बारे में पता हूँ, अरे इतने छोटे छोटे उम्र में लोग यूट्यूबर बने हुए हैं। तो बस अब भाई बस यहाँ से निकल रहे हैं, जो अपना सामान वामान था सब ले लिया है, मार्केट सब देख लिया है, साथ में एंड में बैडमिंटन भी खेल लिया, अब इस दिन से और कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। निकलते हैं, शेल्बी वहाँ पे वेट कर रही होगी यार, बोर हो रही होगी अकेली, चलो आ जाओ कृपा। बांग्लादेश वाला तो सीन अब लग नहीं रहा हो पाएगा, ना बोट मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा है। माय गुड फ्रेंड दीपांशु, ब्लेस योर हार्ट, प्लीज 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 से इट, शेल वी से इट, इट्स व्हाट द साउदर्नर सेज, ब्लेस योर हार्ट, शेल वी से इट। नेट सो आई एम कैरिंग वन पेशेंट विद मी, शेल वी एट लीस्ट गिव मी अ फिंगर, व्हिच वन? सब कुछ हो गया अभी रूम में, फाइनल चेकअप करके आ रहा हूं, कुछ भूल तो नहीं रहे। सब कुछ ले लिया ना, बस भूल ना जाए यार, कलो में थैंक यू, ओके सर जी बाय बाय। तो बस भाइयों इस वीडियो में इतना ही, और यहाँ पर जो मिजोरम की जो ट्रिप है वो ऑफिशियली ख़त्म होती है, अभी भी हमारे पास 3-4 दिन के और एक्सपीरियंस होंगे, क्योंकि शेल्बी को मुझे शुभम के घर पे छोड़ना है बिहार में, और उसके बाद फिर मैं आगे की तरफ निकल जाऊँगा। बड़ी सही जर्नी रही यार, और तगड़े तगड़े एक्सपीरियंस हुए, शेल्बी के पैर में नहीं लगती तो हम और तगड़े एक्सपीरियंस कर पाते, लेकिन कोई नहीं, अब किस्मत में जितना मंजूर था हमें मिल गया, और अब हम आगे निकल रहे हैं, जाके इस गाड़ी को ठीक वीक भी करवाना है 2-3 जगह से जो ठुकी हुई है, और अब बस निकलते हैं। शेल्बी डू वांट टू से एनी फाइनल वर्ड्स फॉर द मिजोरम एंड और दिस पार्ट ऑफ इंडिया? यू आर एब्सोल्युटली गॉर्जियस एंड थैंक यू टू पांचू एंड थैंक यू टू द मिजो एंड शपनो पीपल, आई हैड a mostly wonderful time. Other than your leg? Other than my leg, otherwise it would be a phenomenal time. But I gotta say, hospital experience was fantastic, much better than anything in the US, so gotta hand it to you. Yeah, and the thing we skipped this time, we're going to do it. We're going another to. Time next time. You know that place is not far from here. But well, then why don't you carry me, Dipanchu? I can't carry you. Shelby carry you. मेरे को उठा के मैं मेरी हिम्मत नहीं है इतने उठाने उठाने की. तो okay guys, thank you for everything. पीछे अपने किरबा भाई आज वापस आ रहे हैं. किरबा भाई लुंगली जाएंगे तो किरबा भाई को मैं लुंगली छोड़ दूंगा. मैं क्या छोड़ दूंगा? हम दोनों छोड़ देंगे और उसके बाद हम आगे आज. So do you think we'll be able to make it till Assam today? It entirely depends on your driving. That's why I'm buckling up.
ओके ऑल द बेस्ट शेल्वी, ओके थैंक यू किरबा भाई, पत्रु थ्रू पत्रु थ्रू। बाकी किरबा भाई के जो लिंक्स हैं सारी के सारे मैंने इधर भी मेंशन हो रही होंगी स्क्रीन के ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। बस यार वो बांग्लादेश बॉर्डर तक जाने वाला सीन नहीं हो पाया क्योंकि हमें कोई बोट ही नहीं मिली। आपका गलती था। हाँ गलती मेरा हो गया, मैंने कल भाई को बोला नहीं, मैंने सोचा यार क्या बता हम आगे की तरफ निकल जाएं, वो जो मेरा मिजोरम का आधे वाला सीन बचा हुआ था वो करने, लेकिन कल रात को शेल्बी के पैर में जो पस दिखाना उसके बाद मैं नहीं यार बिल्कुल भी पुश नहीं करना है इसको। जल्दी 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 व्हाई यू आर डूइंग जल्दी जल्दी। इसका ठीक है, ओके बाय बाय।